नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स में सितंबर माह के फोर्थ वीक के बारे में, सितंबर माह के चतुर्थ सप्ताह के बारे में। तो आइए देखते हैं हम आज की क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर एक है कि राजस्थान के किस व्यक्तित्व को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पहला ऑप्शन है अशोक गहलोत, दूसरा है डॉक्टर गुलाब कोठारी, तीसरा है सचिन पायलट, चौथा है सीबी यादव। कि हाल ही में घोषणा हुई है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की, तो वो अवार्ड किसको दिया जाएगा दोस्तों। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें आप गेस करें, अनुमान लगाएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता हो तो ये अभी हाल ही में डॉक्टर गुलाब कोठारी को ये अवार्ड दिया जाएगा, घोषणा हुई है। किसको? गुलाब कोठारी को। डॉक्टर गुलाब कोठारी कौन है? तो ये जो पत्रिका, अपने अखबार आता है पत्रिका समूह, उस पत्रिका समूह के प्रधान संपादक हैं। तो याद रखना, कभी पूछ ले तो उनके संपादक हैं पत्रिका समूह के, ठीक है? तो याद रखना इसको। और अशोक गहलोत ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के सीएम हैं, और सचिन पायलट ये कांग्रेस के नेता हैं, ठीक है? और सीबी यादव ये सोशल एक्टिविस्ट है, ठीक है? तो याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर दो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर दो है अंतर्राष्ट्रीय मैचों और आईपीएल के लिए तैयार हो रहा बरकतुल्ला खान स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है कोटा और चौथा है जोधपुर। तो राजस्थान के किस जिले में है बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो अंतर्राष्ट्रीय मैच और आईपीएल मैचों के लिए तैयार हो रहा है? तो वो हो रहा है जोधपुर में। कहाँ हो रहा है? जोधपुर में। जोधपुर में यह स्टेडियम ऑलरेडी पहले से बना हुआ पुराना स्टेडियम है। यहाँ पे पहले दो अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच हो चुके हैं 1970 के दशक में, और अब फिर एक बार इसको वापस से, इसको अच्छे से वापस इसको रिपेयर करके इसको अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लायक बना रहे हैं। 2022 में यहाँ पे आईपीएल मैच भी आपको होते हुए दिखेंगे, ठीक है? और जयपुर में भी अपने राजस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम, उसका नाम है एसएमएस स्टेडियम। तो याद रखना, कई बार स्टेडियम का नाम पूछा जाता है और स्टेडियम नाम पूछ कर उसकी जगह पूछी जाती है कि एसएमएस स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो जयपुर में है, ठीक है? और जोधपुर में कौन सा? बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर में है, याद रखना। और अजमेर में विश्व स्तरीय हॉकी मैदान है, ठीक है? तो इस चीज़ के याद रखना, हॉकी मैदान है इंटरनेशनल लेवल का अजमेर में, याद रखना। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। और बार रिपीट होगा कि 2022 में इसमें शुरू हो जाएंगे आईपीएल मैच, और अभी इस पर काम चल रहा है, तो याद रखना, ठीक है? तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर तीन है आपके सामने, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में लाइमस्टोन के नए भंडार मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा है नागौर, तीसरा है झुंझुनू और चौथा ऑप्शन है ए और बी और सी। तीनों ऑप्शन हैं आपके तीनों जिलों में। तो अभी हाल ही में राजस्थान के जो तीनों ज़िले हैं, जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू, इन तीनों ज़िलों में लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं तीनों ज़िलों में। तो याद रखना, तो उनका राइट आंसर होगा डी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर चार है, हाल ही में राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? पहला ऑप्शन है भूपेंद्र सिंह यादव, दूसरा है मोहनलाल लाठर, तीसरा है राजीव स्वरूप, चौथा है प्रकाश माथुर। तो हाल ही में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक बनाए गए हैं भूपेंद्र सिंह यादव बनाए गए हैं। अब पूछा जाए कि इनसे पहले राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन थे, तो वो थे मोहनलाल लाठर, ये एक्स थे, मतलब पूर्व में ये रहे थे, ठीक है? और राजीव स्वरूप राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव हैं राजीव स्वरूप। इनका कार्यकाल जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर पाँच, कॉफी विद कलेक्टर अभियान राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया है? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा है जयपुर, तीसरा अजमेर, चौथा है जोधपुर। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि कॉफी विद कलेक्टर अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें राइट आंसर है दोस्तों कोटा। और ये जो कोचिंग के जो छात्र होते हैं उनको तनाव मुक्त रखने के लिए ये कॉफी विद कलेक्टर अभियान शुरू किया गया है, ठीक है? तो याद रखना इसको भी। क्वेश्चन नंबर छः है कि नो मास्क नो एंट्री अभियान राजस्थान में किस ज़िले में शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है राजस्थान में? तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा बूंदी, तीसरा कोटा, चौथा है जोधपुर। तो राजस्थान के कौन से ज़िले में नो मास्क नो एंट्री अभियान शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत हुई है बूंदी ज़िले से, राजस्थान के ज़िले से, ठीक है? और ये नो मास्क नो एंट्री क्या अभियान है? इसके द्वारा, मतलब जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें जो इंसान, जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उसको कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी, बसों में, ट्रेन में, कहीं भी। तो मास्क हर जगह अलाउ किया गया है, उसके बिना एंट्री नहीं है।
तो याद रखना है इसको भी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, दूसरा है डॉक्टर रघु शर्मा, तीसरा है अशोक गहलोत और चौथा है वसुंधरा राजे। तो हाल ही में राजस्थान में 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है, वो राजस्थान के कौन से मंत्री द्वारा किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर रघु शर्मा के द्वारा, ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं राजस्थान के, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं ये, राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर रघु शर्मा है। इनके द्वारा ये 5 बाइक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है। इसके में क्या होगा कि जैसे एम्बुलेंस अपने 4 पहियों वाली होती है, जो एम्बुलेंस होती है बड़ी, वो कई कई जो रास्ते होते हैं, सकड़े रास्ते सिटी में भीड़भाड़ वाले इलाकों, वहाँ से नहीं जा सकती। तो बाइक वाली जो एम्बुलेंस, बाइक वो एम्बुलेंस का काम करेगी, वहाँ पर मरीज को जैसे एमरजेंसी हो तो उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, इसके लिए ये बाइक एम्बुलेंस शुरू की गई है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन है अशोक गहलोत, ये सीएम है राजस्थान के, वसुंधरा राजे बीजेपी नेता है, और किरोड़ीलाल मीणा ये भी बीजेपी नेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में आईपीएल 2020 के लिए राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा है सुरेश रैना, तीसरा है शेन वॉर्न, चौथा है एमएस धोनी। तो हाल ही में आईपीएल 2020 के लिए राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, मेंटर बनाया है, तो बनाया है शेन वॉर्न को। अब इनके बारे में पूछा जाता है, फेमस खिलाड़ी हैं, कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इनके बारे में फैक्ट्स बता रहा हूँ, उनको याद रखना। शेन वॉर्न, पहला क्वेश्चन बनता है कि शेन वॉर्न जो खिलाड़ी हैं वो कौन से देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया जो देश है उनके भूतपूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, अब ये कोचिंग देते हैं, कोच मतलब कोच होते हैं टीम के। और राजस्थान रॉयल्स के जो पहला आईपीएल हुआ था, 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई थी, उसमें राजस्थान रॉयल्स की इन्होंने कप्तानी की थी। तो 2008 में ये राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे जब राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का खिताब जीता था, आरआर के कप्तान, मतलब आरआर राजस्थान रॉयल्स है। ठीक है, ये कप्तान है, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और इनके नाम टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर पर हैं शेन वॉर्न, तो याद रखना है इनको भी। ठीक है, सबसे ज़्यादा विकेट है टेस्ट में मुथैया मुरलीधरन के, उसके बाद है शेन वॉर्न, तीसरे नंबर पर अपने भारत के अनिल कुंबले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पूछा जाता है कौन सी टीम के ब्रांड एम्बेसडर हैं राजस्थान रॉयल्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, याद रखना। और 2008 में जो राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का खिताब जीता था, उस टीम के कप्तान शेन वॉर्न ही थे, ये स्पिनर गेंदबाज थे। अपना डी ऑप्शन है एमएस धोनी, ये भारत के खिलाड़ी हैं, कप्तान भी रह चुके हैं आप जानते हो, और आईपीएल में सीएसके टीम से खेलते हैं। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स से। या सुरेश रैना ऑप्शन है, ये भी सीएसके टीम से खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर एमआई से खेलते हैं, मुंबई इंडियंस से अब नहीं खेलते। तो ये एमआई पूछा जाए तो मुंबई इंडियंस के मेंटर हैं, अभी मुंबई इंडियंस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, ये हाल ही में आना सागर झील के चारों तरफ पथवे का निर्माण किया जाएगा, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित झील है? तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है अजमेर, तीसरा कोटा, चौथा है बीकानेर। तो ये राजस्थान के कौन से जिले में है? यहाँ क्वेश्चन है आपके सामने आना सागर झील का, कि आना सागर झील के चारों तरफ पथवे का निर्माण किया जाएगा, ये स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो झील है उसके सौंदर्यकरण के लिए यह किया जाएगा पथवे का निर्माण चारों तरफ। तो झील के चारों ओर ये फैली हुई है, तो इनके चारों ओर 8 किलोमीटर के लगभग इस पथवे का निर्माण किया जाएगा, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, बढ़िया वो बनाया जाएगा। तो ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में, कौन से ज़िले में है? अजमेर ज़िले में। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार राजस्थान के विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है कि आना सागर झील का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण किया था पृथ्वीराज चौहान के दादा ने, जो अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उनके दादा थे अर्णोराज ने। ठीक है, तो निर्माण किसने करवाया था? तो अर्णोराज ने करवाया था, अर्णोराज के नाम पे इसका नाम आना सागर है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने में प्रथम स्थान पर रहा है? तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा कोटा, तीसरा श्रीगंगानगर, चौथा है झालावाड़। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है राजस्थान में? तो रहा श्रीगंगानगर। जो मनरेगा चलती है, पहले नरेगा चलती थी, उसी का नाम बदल कर मनरेगा कर दिया है, महात्मा गांधी रोजगार योजना। तो इसमें सर्वाधिक रोजगार देने में
श्री गंगानगर जो जिला है राजस्थान, वो टॉप पर रहा नंबर वन पर। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो याद करने में है तो सीधा याद रखना कि राजस्थान का सबसे टॉप का जिला रहा, मतलब नक्शा जब देखते हैं तो श्री गंगानगर सबसे ऊपर का जिला है, सबसे ऊपर का पहले नंबर का ऊपर का जिला आता है श्री गंगानगर। ये जो टॉप का ऊपर की जो सीमा है वो गंगानगर से ही पड़ती है, तो याद रखना प्रथम स्थान पर श्री गंगानगर। और श्री और लग रहा था, पूजनीय भी है तो याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है राजस्थान सॉफ्टबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है अरुणा राठौड़, प्रेम सिंह बाजोर, ML तंवर, CP जोशी। तो हाल ही में राजस्थान सॉफ्टबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राजस्थान सॉफ्टबॉल संघ के अध्यक्ष बने हैं प्रेम सिंह बाजोर, ठीक है। तो याद रखना इसको, कौन से बने हैं, प्रेम सिंह बाजोर, यह है अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष है अरुणा राठौड़, ये क्या है, उपाध्यक्ष है, ठीक है। और ML तंवर ये सचिव हैं राजस्थान सॉफ्टबॉल संघ के, और CP जोशी ये कांग्रेस के नेता हैं, तो याद रखना इनको। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व चिकित्सा मंत्री का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो पहला ऑप्शन है प्रेम सिंह बाजोर, दूसरा है रघु शर्मा, तीसरा है सुषमा त्रिपाठी, चौथा है जकिया इनाम। तो राजस्थान की पूर्व चिकित्सा मंत्री रही है, उनका निधन हुआ, उनका नाम है जकिया इनाम, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये पूर्व चिकित्सा मंत्री रह चुकी है, कई बार सांसद और विधायक भी रही है, तो इनका संबंध पूछे कि हाल ही में जकिया इनाम का निधन हुआ वो कौन थी, तो ये राजनीतिज्ञ हैं या राजनीति से संबंधित हैं। इनका जिला पूछा जाए कि कौन से जिले की हैं, तो ये टोंक जिले की है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना टोंक जिले से हैं, जकिया इनाम है, राजनीति संबंध है, इनका हाल ही में निधन हुआ, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजस्थान की किस महिला को अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ इन्वेंटर्स की ओर से यंग इन्वेंटर्स अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। तो पहला ऑप्शन है किरण शर्मा, दूसरा है रवि बिश्नोई, तीसरा है प्रियंका शर्मा, चौथा है रेखा मीणा। तो हाल ही में अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ इन्वेंटर्स की ओर से इन्वेंटर्स अवार्ड 2020 के लिए सिलेक्टेड किया गया है, वो किसको किया गया, तो प्रियंका शर्मा को किया गया है। किसको किया गया, प्रियंका शर्मा को, ये भारतीय मूल की न्यूयॉर्क में रह रही भारतीय महिला है, ठीक है, तो इनको दिया गया है ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में IPL में खेलने वाले राजस्थान के 13वें खिलाड़ी कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है खलील अहमद, दूसरा है आकाश सिंह, तीसरा है दीपक चाहर, चौथा है रवि बिश्नोई। तो हाल ही में IPL में पार्टिसिपेट करने वाले, IPL खेलने वाले राजस्थान राज्य के 13वें खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो बने हैं रवि बिश्नोई, ठीक है, तो याद रखना। और इनके अलावा जो तीनों खिलाड़ी हैं, ये चारों खिलाड़ी ही राजस्थान के हैं, कभी पूछ ले, इनका संबंध पूछा जाता है कि कौन से राजस्थान कौन से राज्य के हैं, तो ये राजस्थान के हैं, इनके बारे में पूछे जाए तो याद रखना। दीपक चाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं, इंडिया की तरफ से राजस्थान के खिलाड़ी हैं, तो याद रखना। आकाश सिंह, खलील अहमद, ये भी खलील अहमद भी राजस्थान से हैं और इंडिया में खेल चुके हैं, चारों राजस्थान के खिलाड़ी हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है या नवाजा गया है। तो पहला ऑप्शन है जकिया इनाम, दूसरा है प्रज्ञा शेखावत, तीसरा है डॉक्टर दौलत राम माल्या, तीसरा और लास्ट ऑप्शन है सुषमा के। तो हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्तित्व को इस अवार्ड से नवाजा गया है, तो नवाजा गया है दौलत राम माल्या को। इनके अलावा ये दिया गया है मेल वर्ग में, और फीमेल वर्ग में दिया गया है सुषमा के को, तो इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार, याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान की प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल कहां से कहां तक चलाई गई है। तो पहला ऑप्शन है गांधीनगर से जयपुर जंक्शन तक, दूसरा है मानसरोवर से रेलवे जंक्शन तक, चौथा है चांदपोल से मानसरोवर तक, और लास्ट ऑप्शन है चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक।
तो हाल ही में भारत सॉरी राजस्थान की प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ हुआ है, वो कहाँ चलाया गया है, कहाँ से कहाँ तक चली है? तो वो चली है चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ तक। ये राजस्थान के जयपुर ज़िले में है। कहाँ पड़ता है? तो ये जयपुर ज़िले में है, ये याद रखना। ये कहाँ चली है? तो जयपुर में चली है पहली बार। और कहाँ से कहाँ तक चली है? तो चांदपोल से बड़ी चौपड़ जो जगह है वहाँ से चलाई गई है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस महिला का चयन अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है? पहला ऑप्शन है प्रज्ञा शेखावत, दूसरा है शिवांगी सिंह, चौथा है सॉरी तीसरा है नेहा शर्मा और लास्ट है माधुरी तिवारी। तो हाल ही में राजस्थान की महिला है उसका चयन हुआ है अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट पद पर। तो किसका चयन हुआ है? तो वो हुआ है शिवांगी सिंह का। किसका हुआ है? शिवांगी सिंह का। इनका चयन हुआ है अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट पद पर हुआ है, तो याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर है 18, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मनरेगा की खुदाई में हड़प्पा कालीन संस्कृति के आभूषण मिले हैं, अवशेष मिले हैं? वो कौन से ज़िले में मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है हनुमानगढ़, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है सीकर, चौथा है अलवर। तो राजस्थान के किस जिले में खुदाई में हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष व आभूषण मिले हैं? तो कहाँ मिले? वापस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 के, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मनरेगा की खुदाई में हड़प्पा कालीन संस्कृति के आभूषण व अवशेष मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है हनुमानगढ़, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है सीकर, चौथा है अलवर। तो राजस्थान के किस जिले में हाल ही में मनरेगा की खुदाई में हड़प्पा कालीन आभूषण व अवशेष मिले हैं? तो मिले हैं सीकर में। कहाँ मिले हैं? सीकर में। तो हाल ही में जो नरेगा योजना चलती है उसकी खुदाई में सीकर जिले में आभूषण व अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला रेलवे ट्रैक ये भूमिगत रेलवे ट्रैक है, इसको याद रखना। तो भारत का पहला भूमिगत रेलवे ट्रैक राजस्थान के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है कोटा, चौथा है अजमेर। तो कौन से जिले में बनाया जा रहा है राजस्थान का भारत का पहला रेलवे ट्रैक जो भूमिगत होगा, भूमि के अंदर होगा, सुरंग से होकर गुजरेगा? तो वो बनाया जा रहा है जयपुर ज़िले में। कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर ज़िले में। तो जयपुर की जगह पूछे तो जयपुर के नावा एक जगह है, गांव है, वहाँ में बनाया जा रहा है भूमिगत रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, तो याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, बीजेपी ने राजस्थान से किसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो पहला ऑप्शन है सतीश पूनिया, दूसरा है वसुंधरा राजे, तीसरा है अशोक गहलोत, चौथा है डॉक्टर किरोड़लाल मीणा। तो हाल ही में बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है राजस्थान से, किसे बनाया है? तो बनाया है वसुंधरा राजे को। इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और बीजेपी के यहाँ सतीश पूनिया की बात करें तो ये राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष हैं, बीजेपी के अध्यक्ष है राजस्थान से सतीश पूनिया। पूछा था राजस्थान के एग्जाम्स में कि राजस्थान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो वो है सतीश पूनिया है। और पूछे कि ये तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछे बीजेपी का अध्यक्ष पूछे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो है जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा, याद रखना। भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। ये बीजेपी के अध्यक्ष है सेंटर पे, मतलब राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह जसोल का निधन हुआ है, यह राजस्थान के कौन से ज़िले से थे? तो पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा जोधपुर, तीसरा अजमेर और चौथा है जयपुर। तो ये राजस्थान के यहाँ ऑप्शन नहीं है सॉरी तो ये ऑप्शन है आपके सामने यहाँ बाड़मेर। तो ये राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के थे, ठीक है। तो राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के जसोल गाँव के थे, जसवंत सिंह जसोल गांव के थे, जसोल गांव है
बाड़मेर में वहां के थे, जसवंत सिंह जसोल, तो याद रखना इनको। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान के किन जिलों में लाइमस्टोन के नए भंडार मिले हैं? पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा है नागौर, तीसरा है झुंझुनू और चौथा है सभी तीनों जिलों में। तो राजस्थान के जो तीनों जिले हैं आपके यहाँ ऑप्शन है डी वो आंसर होगा, जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू, यहाँ पर लाइमस्टोन के नए भंडार मिले हैं, मतलब चूना के, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, कोविड-19 के दौरान भारत के किस राज्य की रोडवेज को राष्ट्रीय PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है हरियाणा रोडवेज, दूसरा है उत्तर प्रदेश रोडवेज, तीसरा है राजस्थान रोडवेज, चौथा है पंजाब रोडवेज। तो हाल ही में कोविड-19 के दौरान अच्छी सर्विस देने के लिए राष्ट्रीय PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कौन से रोडवेज को सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान रोडवेज को इससे सम्मानित किया गया है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP ने भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो पहला ऑप्शन अनिल चौधरी, दूसरा है खुशी तिवाड़ी, तीसरा है खुशी चंदालिया, चौथा है हेमा सरदेसाई। तो हाल ही में भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने खुशी चंदालिया को नियुक्त किया है राजदूत के रूप में, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 21 सितंबर, दूसरा है 24 सितंबर, तीसरा है 26 सितंबर और चौथा है 27 सितंबर। तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और एक यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, छात्रों के माइंड में आ रहा होगा कि 5 जून इसका राइट आंसर होगा, लेकिन वो बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर है 26 सितंबर। 26 सितंबर के दिन विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, तो याद रखना। और यह एक और ऑप्शन है 21 सितंबर, इस दिन मनाया जाता है विश्व शांति दिवस, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। और यहाँ 27 सितंबर ऑप्शन आया, यहाँ इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, सॉरी विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर मनाया जाता है, तो याद रखना तीनों क्वेश्चन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? पहला है अनिल चौधरी, दूसरा है सतीश पूनिया, तीसरा वसुंधरा राजे, चौथा है वैभव गहलोत। तो हाल ही में राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो किस कौन बने हैं? तो बनाए गए हैं अनिल चौधरी को। सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वसुंधरा राजे बीजेपी नेता है, वैभव गहलोत इनके बारे में पूछा जाता है, तो ये RCA के अध्यक्ष हैं, RCA के अध्यक्ष हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम पूछा जाता है राजस्थान के एग्जाम से, पूछा भी जाएगा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत, तो याद रखना, ये अशोक गहलोत के बेटे हैं, इनको याद रखना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 28, अपनी दुकान अपना व्यवसाय राजस्थान के अपनी दुकान किस राज्य में शुरू किया गया है? अपनी दुकान अपना व्यवसाय राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया है, किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये पहला ऑप्शन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है पंजाब। तो अपनी दुकान अपना व्यवसाय जो है जो राजस्थान के राज्य में शुरू किया गया है और जयपुर से शुरू किया गया है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया फिनिश, आज के हमने 28 क्वेश्चन के बारे में बात की, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम्स के लिए, राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम्स हो, RPSC, RAS, पटवार, पुलिस, LDC, स्टेनोग्राफर, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, कृपया हमारे वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करवाएँ, जुड़े रहिए, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।